को लेकर जो एसओजी की प्रक्रिया चल रही है उसी को लेकर महेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। हमारे साथ हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जो एफआईआर दर्ज कराने आ गए थे। एक मिनट सर, ओनली एक मिनट लाइव है सर। आप एसओजी आए हैं, आपने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? पूरा मामला सबके सामने दो ऑडियो कॉल से चल रही हैं। एक में श्री भंवरलाल शर्मा, श्री गजेंद्र सिंह और श्री संजय जैन, ये आपस में बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये पैसे के बल पे साजिश करना, साजिश करके असंतोष फैलाना, सरकार गिराने की कोशिश करना, ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसलिए एक एफआईआर दर्ज कराई है, तीनों के नाम लिखे हैं। दूसरे एफआईआर में भी लगभग कुछ मिलती जुलती बातें हैं, उसमें चूंकि किसी का नाम नहीं है, इसमें खुद ही जो क्लिपिंग्स में खुद ही नाम ले रहे हैं, तो ये तीन नाम है, दूसरे में नाम नहीं है, इसलिए बेनामी दर्ज कराई है। सर, संजय जैन का बताया जा रहा है, कौन संजय जैन है सर? ये मैं भी नहीं जानता कौन संजय जैन। राजद्रोह का आरोप है इन पर? निश्चित रूप से। तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सर लगातार? जो एसओजी ठीक समझेगी पूरी प्रक्रिया करते हुए उस कार्रवाई करेगी। अभी सुरजेवाला जी की प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर तथ्य साबित होते हैं तो? निश्चित रूप से तथ्य साबित होते गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले जाँच हो जाए, जाँच होकर पुख्ता एक तथ्य सामने आ जाए और उसके बाद जो दोषी बनते हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिन्होंने बताया कि मामला दर्ज हो चुका है एसओजी के अंदर, एफआईआर नंबर 48 और 49, उसके अंदर दो से तीन नाम दिए गए हैं, एक केंद्रीय मंत्री का नाम जिसकी ऑडियो सुनकर बताया जा रहा है, साथ साथ एक नाम है यहाँ के सरदार शेर विधायक का नाम बताया जा रहा है, साथ साथ एक दलाल बताया जा रहा है संजय जैन उर्फ संजय बर्डिया। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, खुद महेश जोशी ने एफआईआर दर्ज कराया है। अब जानने वाली बात यह होगी कि आखिरकार एसओजी किस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई करती है, हालांकि आवाज़ के नमूने लेने पड़ेंगे, उसके लिए कोर्ट का आदेश लेना जरूरी होगा। फिलहाल एसओजी किस प्रकार से